Yes. Good morning, students. Today we start chapter number 6, ratio and proportion. तो इसके अंदर first topic हमारा percentage का. तो सबसे पहले percentage होता है आपका जो sign होता है वो ये होता है बेटे percentage का sign. और percentage हमेशा होता है 100 के ऊपर. ठीक है. तो जैसे 10%, 15%, 3% होता है. अब देखिए first रिलेशन बिटवीन परसेंट्स एंड रेशियो. तो रेशियो परसेंट में क्या रिलेशन होता है. एग्जांपल है 30%. तो 30% को अगर हम रेशियो में लिखें तो ये होता है 30:100, क्योंकि परसेंटेज के नाम का होता है आपका 100. परसेंटेज का मीनिंग होता है 100. और इसी को अगर हम परसेंटेज और फ्रैक्शन देखें तो इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं. 30/100 ये फ्रैक्शन में हो जाएगा आपका. अब इसको कैंसिल करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं 3/10. और अगर इसी को परसेंटेज को आप डेसिमल में कन्वर्ट करें, जैसे 30% है तो ये लिखें पहले फ्रैक्शन में 30/100. और 100 के नाम अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें 0.30, तो ये आपका डेसिमल में हो जाएगा आपका. तो फ्रैक्शन 3/10, डेसिमल 0.30 और रेशो में 30:100. अब देखे एक्सरसाइज के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन. इफ 45% ऑफ ए पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन आर मैन. तो एक टाउन की पॉपुलेशन का 45% तो मैन है आदमी, एंड 30% आर वुमेन, और 30% वुमेन है. देन द परसेंटेज ऑफ द चिल्ड्रन. तो मैन, वुमेन और चिल्ड्रन, तो आपका हो जाएगा ये मैन पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन 45%, वुमेन का 30%, देन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन का हो जाएगा आपका 100 में से लेस करेंगे दोनों के परसेंटेज को. तो 100 माइनस 45 प्लस 30, दोनों को प्लस करके माइनस करेंगे हम. 100 और 45 प्लस 30 हो जाएगा 75. 100 माइनस 75 25%. तो ये हो जाएगा आपका चिल्ड्रन परसेंटेज. सेकंड है ए इनकम इज 10% लेस देन बी इनकम. ए की इनकम 10% कम है बी से, तो यहां पे लेट करेंगे लेट बी इनकम 100. तो ए इनकम इज 10% लेस देन बी, तो ए की इनकम लेस है. तो देन ए इनकम हो जाएगी आपकी 100 माइनस 10 ₹90. तो ए की इनकम हो जाएगी 90. अब आगे है ये हाउ मच परसेंट इज बी इनकम मोर देन ए. अब बी की ए से कितनी ज्यादा है. ध्यान देखिए टोटल मोर इनकम ऑफ बी फ्रॉम ए, तो ए से बी की कितनी ज्यादा है 100 माइनस 90 10. तो अब इसकी परसेंटेज कितनी ज्यादा होगी, तो 10/90, क्योंकि ये की आपकी 90 है और मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज के लिए 100, तो हो जाएगी 100/9% या 11:1/9%. एंड थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. ए मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड केरोसिन ऑयल कंटेन्स 89% पेट्रोल. एक मिक्सचर है पेट्रोल और केरोसिन ऑयल का जिसके अंदर 89% पेट्रोल है. तो द अमाउंट ऑफ केरोसिन ऑयल इज 250 लीटर्स मिक्सचर इज. तो यहां देखें कि जो पेट्रोल है उसकी परसेंट है 89, तो केरोसिन की निकालेंगे 100 में से 89 माइनस करके. मिक्सचर है पेट्रोल एंड केरोसिन, तो पेट्रोल परसेंट इन मिक्सचर, तो मिक्सचर के अंदर पेट्रोल है 89%. तो देन केरोसिन, केरोसिन हो जाएगा आपका 100 माइनस 89, क्योंकि टोटल होता है 100 परसेंटेज, तो 100 में से इसको माइनस करेंगे हम 89 को, तो 11% जो बच गया वो क्या है केरोसिन. अब टोटल मिक्सचर है 250 लीटर और हमने इसके अंदर निकालना केरोसिन, तो टोटल केरोसिन हो जाएगा 11/100 मल्टीप्लाई 250, क्योंकि 11 और परसेंटेज के नाम का नीचे 100 मल्टीप्लाई जिसका टोटल निकालना है टोटल, तो कैंसिल होके ये आ जाएगा 55/2 लीटर या 27/1/2 लीटर. ओके.
नाउ सी क्वेश्चन नंबर सेकंड। द स्ट्रेंथ ऑफ ए स्कूल इज 1800। एक स्कूल की स्ट्रेंथ है 1800 इफ 55% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। उनमें से 55 गर्ल्स हैं तो जो रिमेनिंग बच गए वो बॉयज हैं, तो बॉयज के निकालने के लिए परसेंटेज आप 100 में से 55 को लेस करेंगे, वो बॉयज की परसेंटेज आ जाएगी। देखें टोटल स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल 1800, गर्ल्स परसेंटेज 55%, तो बॉयज हो जाएगी आपकी 100 माइनस 55, क्योंकि 100 परसेंटेज होता है और उसमें से आप 55 लेस करेंगे हो जाएगा 45%, तो बॉयज परसेंट 45, गर्ल्स परसेंट 55। अब बॉयज की निकालने टोटल, तो टोटल बॉयज 45/100, परसेंटेज के नाम पर 100 और मल्टीप्लाई होल नंबर टोटल स्ट्रेंथ, तो ये हो जाएगा आपका 20 से 20 कैंसिल और 18 मल्टीप्लाई 45 इज इक्वल टू 810, तो ये हो जाएंगी बॉयज की टोटल स्ट्रेंथ। नाउ सी थर्ड क्वेश्चन। 35% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन आर मैन। एक टाउन की 35% पॉपुलेशन मैन है और 40% वुमेन, और 40% वुमेन है। इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज 20,000, तो फाइंड द नंबर ऑफ वुमेन, आपको वुमेन निकालनी है। तो यहाँ पे परसेंटेज पॉपुलेशन में मैन की 35% और वुमेन की 40%, तो चिल्ड्रन की परसेंटेज आप निकाल सकते हैं। देखें मैन परसेंटेज ऑफ टाउन 35%, वुमेन परसेंटेज 45%, तो चिल्ड्रन परसेंटेज 100 में से दोनों की लेस करेंगे तो 100 माइनस 35 प्लस 40 75, 25%, तो चिल्ड्रन हो गए 25%। अब यहाँ पे स्ट्रेंथ टोटल भी चिल्ड्रन की गिवन है 20,000, तो इफ चिल्ड्रन इज 25 तो देन नंबर ऑफ वुमेन 40, क्योंकि टोटल वुमेन की परसेंट निकालनी है और चिल्ड्रन की गिवन है टोटल स्ट्रेंथ, तो हम चिल्ड्रन की परसेंटेज लेंगे और वुमेन की परसेंटेज। तो इफ यहाँ 25% चिल्ड्रन की परसेंटेज है, 40% वुमेन की परसेंटेज है, ये जैसे वही टोटल 100 हो तो उनमें से 40 तो वुमेन और 25 चिल्ड्रन हो, तो इसलिए यहाँ से हम यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे। इफ चिल्ड्रन 25 द देन नंबर ऑफ वुमेन 40, अगर बच्चे 25 हैं तो वुमेन 40 है। इफ चिल्ड्रन 1 द देन वुमेन, एक है, एक का निकाल रहे हैं, कम है, कम के लिए डिवाइड होता था 40/25, 40 ऊपर 25 नीचे। इफ चिल्ड्रन इज 20,000 तो देन 40/25 मल्टीप्लाई 20,000, तो ये कट जाएगा इससे 800 पे और इसकी मल्टीप्लाई 40 × 800 32,000, तो ये आ जाएगी वुमेन की स्ट्रेंथ। तो बेटे आज आप सिर्फ 3 क्वेश्चन निकालेंगे और नेक्स्ट हम कल कराएंगे।